राहुल क्या हुआ? फिर वही सपना? लगता है सब काम छोड़ के सबसे पहले इस भूतिया पतंग के राज का पता लगाना पड़ेगा। तो कल चलने की तैयारी शुरू करें। सिंधुगढ़ मुंबई से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या करें? अपनी कार ले लें या ट्रेन से चलें? अपनी कार से चलते ना यार, और मजा आएगा। हाँ यार मजा तो आएगा, लेकिन यार ऐसी वीरान जगहों में ना खाना ढंग का नहीं मिलता है, इसलिए मेरी पेट पूजा का सारा सामान पैक करना जरूरी। तू पिकनिक पे जा रहे या काम करने? यार काम करने ही जा रहे, लेकिन तुझे तो पता है जब तक मेरे पेट में चारा नहीं पड़ता ना तब तक मेरा दिमाग नहीं चलता। तैयार है शोमू सब कुछ, बस चलते हैं। चलो फिर जल्दी करो। ये क्या चल रहा है? तुम लोग फिर से अय्याशी करने निकल रहे हो? अय्याशी करने नहीं प्रियंका, जरूरी काम से जा रहे हैं। जरूरी काम? राहुल एक बात बताना कि तुम्हें भूतों और चुड़ैलों के साथ इश्क लड़ाने के अलावा कौन सा जरूरी काम आता है? तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि कुछ उनके साथ भी वक्त बिता लो। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है प्रियंका कि अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आ रहा ना तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं नहीं कहता कि तुम बार बार यहाँ पे आओ, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो चली जाओ ना यार। प्रॉब्लम तो मैंने बहुत सह ली, अब देखो राहुल कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, वार्निंग यू। क्या हुआ यार, तू उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था? छोड़ ना यार, मूड मत खराब कर, मैं वो भूतिया पतंग का राज जाने के लिए तैयार हूँ यार, चलें? चल। ये अमावस्या की रात का और भूतिया पतंग का क्या कनेक्शन है? ये पतंग सिर्फ अमावस्या की रात को ही दिखाई देती है। ऐसा क्यों? कहानी के मुताबिक सिंधुगढ़ गांव के पास पहाड़ है, उस पहाड़ पर एक पतंग बनाने वाला रहा करता था, विश्व नाम था उसका। और फिर एक दिन, और जब उसे लगा कि वो ज्यादा दिन नहीं जीने वाला है, उसने अपनी आत्मा को एक पतंग में कैद कर दी, और वो एक अमावस्या की रात थी जब विश्वान ने ऐसा किया। के बाद वो पतंग हर अमावस्या की रात को दिखने लगी। इसका मतलब एक और झूठी भूतिया कहानी। हाँ यार, इतने सालों से हम आत्मा ढूंढ रहे हैं लेकिन अब तक हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन मेरा मन कहता है यार कि ये सब कहानी नहीं है, इस बार सिंधुगढ़ गांव में ना हमसे कोई ना कोई आत्मा जरूर टकराएगी। कहाँ देख रहे हो संग्राम भैया? ये रोहिणी बहुत भाव खाती है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी दिन तो इसे भी एहसास होगा कि मैं इसे कितना चाहता हूँ। एक बार समझाया तेरी समझ में नहीं आया तो फिर आ गया वापस। देखो संग्राम, मैं तुम लोग का बुरा नहीं चाहता, मैं सिर्फ पतंग के राज के बारे में जानना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं और मेरा दोस्त
एक रात शिवा के घर रुकना चाहते हैं। एक रात विश्वा के घर। दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल हो गए हो तुम? चुपचाप चले जाओ तुम दोनों। राहुल, ये सब क्या झमेला, ये क्या चल रहा है? हम तुम्हें ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। अगर तुमने ऐसा किया, गांव में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। राहुल, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अगर ये गांव वाले हाथापाई पे आ गए ना, तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जी जी, हम लोग जा रहे हैं। राहुल चलो। ये सब क्या था? ये गांव वाले तुझे देखकर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे? कुछ महीने पहले मैं यहाँ पे आया था, यहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करने। कमाल करता है तू, ये सब कुछ हम लोग साथ में करते ना, फिर तू अकेला इन्वेस्टिगेट करने आया और तूने मुझे बताया तक नहीं। यार तू अब इतना सेंटी मत हो, मैंने सोचा कि कुछ होता है तुम दोनों साथ में चलेंगे ना। अब तू रुक, मुझे कुछ सोचने दे। अरे क्या सोचना है, हम लोग घर वापस जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ से गाँव से थोड़ी दूर पे ना एक रास्ता है जो सीधे विश्वा के घर पे जाता है, हम वहां से चलेंगे। लेकिन राहुल, अब तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बताता हूँ, तू बस सिर्फ चल। हम ठीक समय पर पहुंच गए और गांव वालों को पता भी नहीं चला। बस बस यहीं रुको। ये है विश्वा का घर, अब चले। चलो। जल्दी से सेटअप तैयार कर लेते हैं। जो भी मूवमेंट हो रहा है ना उसे नोट कर। मैं अभी आया। ये आवाज़ है किसकी पंडित जी? अरे ये सर्वनाश की आवाज है,
लगता है वो लड़का राहुल अपने दोस्त को लेकर के विश्वा के घर पे गया है। वो राहुल को बचा लीजिए, वो भूतिया पतंग, भूतिया पतंग उसे भाटा देगी। प्लीज मेरी बात मानिए, मैंने राहुल का खून नहीं किया है, राहुल का खून खूनी पतंग ने किया है, भूतिया पतंग ने। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल का खून गला कटने की वजह से हुआ। कोई पतली वायर जैसा कोई औजार इस्तेमाल किया गया था उनका गला काटने के लिए। वो वायर नहीं था, धागा था, भूतिया पतंग का धागा। उस पर हम बाद में आएंगे। योर ऑनर, राहुल के बदन में पॉइजन पाया गया और फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो पॉइजन उसी वायर में था जिससे उसका गला काटा गया था। और योर ऑनर, ये तो साफ सी बात है कि कोई घोस्ट या कोई भूत तो पॉइजन का इस्तेमाल करेगा नहीं, तो ये साफ हो गया है कि ये इंसान ने ही खून किया। और उस वक्त विश्वा के घर पर सोमू और राहुल के अलावा कोई मौजूद ही नहीं था। मिस्टर सोमू, आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, राइट? जी। तो एक आम आदमी की डेफिनेशन में क्या आप यहाँ पर सबको बताएंगे कि ये होता क्या है? हम लोग जो अजीब घटनाएं घटती हैं, उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं और भूत प्रेत या अनहोनी घटनाएं जो होती हैं उस पर रिसर्च करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि भूत प्रेत और अनहोनी घटनाएं जो होती हैं वो वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट होती हैं या नहीं, ये हम सबको बताएं। तो क्या आपने अब तक कोई भूत देखा या कुछ ऐसा महसूस किया जिसे आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? जी, अभी तक तो नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये काम भूत ने किया? सारा इल्जाम आप भूत पर कैसे डाल सकते हैं, बताइए मिस्टर सोमू। वो एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना थी और उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। फिर ऐसा क्या हुआ? मैं और राहुल उस भूतिया पतंग का इंतजार कर रहे थे। आवाज कैसी? यहां जरूर कुछ न कुछ है। तो फिर आपने क्या किया? मैं भागते हुए गांव की तरफ गया उनकी मदद मांगने, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की बल्कि मुझे वहां पे पकड़ लिया। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर सोमू, असलियत तो ये है कि कोई ऐसी भूतिया पतंग है ही नहीं। और ऑनर, आपके मुताबिक राहुल पिक्चर्स ले रहे थे और आप वो वाइब्रेशंस की रीडिंग को नोट कर रहे थे, राइट? जी हाँ। योर ऑनर, मौका वारदात पर ये कैमरा और ये कैलिब्रेटिंग मशीन मिली, लेकिन देखने वाली बात ये है कि दोनों ही खाली, ना कोई फोटोग्राफ्स, ना कोई रीडिंग, और तो और मेमोरी कार्ड भी बिल्कुल खाली। क्योंकि अगर वो नॉर्मल पतंग होती तो कैमरे में कैद होती, लेकिन वो भूतिया पतंग थी इसलिए कैद नहीं हुई, क्योंकि भूत प्रेत कैमरे में कैद नहीं होते। दिस इज नॉनसेंस योर ऑनर। फैक्ट तो ये है कि वो इसलिए कैप्चर नहीं हुई क्योंकि वहाँ कोई पतंग ही नहीं थी, खूनी आप ही हैं। मिस्टर पाठक, आप कुछ कहना या पूछना चाहते हैं? जी योर ऑनर, मेरा अनुभव ये कहता है कि जो भी कार्य किया जाता है उसके पीछे कोई हेतु, कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ योर ऑनर कि कब मिस पूरी अपनी बात पूरी करेगी। जो आरोप इन्होंने लगाया है मेरे मुवक्किल सोनू पर राहुल की हत्या का, कृपया बताएं मिस पुरी, क्या उद्देश्य था इनके पास हत्या का? क्योंकि योर ऑनर, दोनों के बीच ना कोई शत्रुता थी, ना कटुता, ना कोई ईर्ष्या, तो फिर मिस पुरी क्यों हुआ सोमू राहुल की हत्या करेंगे? कोई उत्तर नहीं है योर ऑनर इनके पास। मैं यही प्रश्न राहुल की प्रेमिका प्रियंका से करना चाहूंगा। प्रियंका, राहुल को तुम कब से जानती थी? कॉलेज टाइम से। अच्छा, और सोमू और राहुल ये एक दूसरे को कब से जानते थे?
दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे और तकरीबन 7 सालों से एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे थे। क्या लगता है तुम्हें सोमू ने मारा होगा राहुल को? इम्पॉसिबल, सोमू ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने कभी उनको झगड़ते हुए भी नहीं देखा, तो फिर सोमू क्यों खून करेगा राहुल का? योर ऑनर, सोमू ने राहुल का खून क्यों किया ये तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन सोमू और राहुल दोस्त, दिस इज अटर नॉनसेंस। ऐसा दावा करने की वजह क्या है? क्योंकि जब सोमू ने राहुल को वहां गिरा हुआ देखा था तब राहुल जख्मी था। सोमू वहां से भागा मदद के लिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भागा क्यों? पास में ही गाड़ी खड़ी थी, अगर सोमू चाहता तो उसे गाड़ी में किसी पास के हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेकर जाता, तो आई एम श्योर राहुल अब तक ठीक हमारे बीच में होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो भागा, पैदल भागा मदद के लिए। क्यों? ताकि वो समय बर्बाद कर सके और राहुल जिंदा ही ना बच पाए। जिस वक्त सोमू वहां से मदद के लिए भागा, उस वक्त राहुल जिंदा भी था या नहीं? राहुल जिंदा था और मैं उसे गाड़ी में ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। What nonsense! गाड़ी अचानक कैसे खराब हो गई? मेरी बात मानिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैंने बहुत कोशिश की। शायद वो भूतिया पतंग ने ही उसे उस गाड़ी को बंद करके रखा था ताकि मैं राहुल को बचा ना सकूं। प्लीज सर, दिस इज नॉनसेंस। योर ऑनर, मैं एक बार फिर कहूंगी कि ये एक क्लियर केस है। मिस्टर सोमू ने अपने पार्टनर का कत्ल कर दिया और इल्जाम अब वो भूतिया पतंग पर लगा रहे हैं और यहाँ पर कोर्ट में सबको गुमराह कर रहे हैं। कृपया अदालत को बताओ, क्या गांव वाले जानते थे कि तुम विश्वा के घर गए थे? नहीं, उन्होंने हमें मना किया था विश्वा जी के घर जाने से, लेकिन हम लोग चुपचाप पीछे के रास्ते से गए थे। मिस्टर पाठक, इस सवाल का मतलब क्या है? योर ऑनर, सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जब कोई किसी की हत्या करता है तो सर्वप्रथम वहां से पलायन करने का प्रयत्न करता है, किंतु सोमू ने ऐसा नहीं किया। कोई नहीं जानता था योर ऑनर कि सोमू और राहुल विश्व के घर गए हैं। तो एक क्षण के लिए अगर मान लेते हैं कि सोमू ने वहां राहुल की हत्या की, तो वहां से पहले सर्वप्रथम वहां से पलायन होने का प्रयास करता, किंतु ऐसा नहीं किया सोमू ने। सोमू स्वयं गांव वालों के पास गया जहां इसे बंदी बना लिया गया। थैंक यू मिस्टर पाठक, आप तो हमारी मदद ही कर रहे। योर ऑनर, अब तो ये और भी साफ हो गया है कि उस वक्त राहुल के साथ में सिर्फ और सिर्फ सोमू मौजूद थे और कोई नहीं। नहीं, वो कुछ कह रहे, वो पतंग, भूतिया पतंग या जो भी वहां था। मिस्टर पाठक, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अदालत भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती है। योर ऑनर, मैं स्वयं इन बातों में नहीं मानता, लेकिन मेरे मोक्किल मानते हैं। अब अगर ये इतने ठोस रूप से कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ अवश्य होगा यार, और मेरा ऐसा मानना है कि हमें सोमू को एक अवसर देना चाहिए यार, ताकि ये प्रमाणित कर सके कि ये निर्दोष है। अगली अमावस्या तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए यार। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मिस पूरी की ऑब्जेक्शन का पूरा पूरा मान रखते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा अदालत से कि संभव है कि अगर कुछ दिनों के लिए इस केस को यहाँ स्थगित कर दिया जाए योर ऑनर, तो फिर वो जो हत्या का औजार है वो भी प्राप्त हो जाए, बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। ऑब्जेक्शन ओवररूल। ये अदालत 10 दिनों तक के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। केडी सर का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अगर सोमू ने खून किया होता
तो वो आराम से भाग सकता था, उस पर कोई शक भी नहीं करता। सबको डेढ़ शाना बना रहे। अरे अपन बोल रहे ना बॉस, और कुछ नहीं कर रहा, ये भोलेपन का मासूम होने का नाटक करके गांव वाले के पास जा रहा रहेगा भाई को, ताकि गांव वालों को उस पे शक ना। सर मुझे तो लगता है कि सोमू बेगुनाह है, क्योंकि मैंने भी सिंधुगढ़ की भूतिया पतंग के बारे में सुना हुआ है। बोले तो भूत है। अरे कुछ नहीं है भूत, क्या झूठ बोल रहे हो? अरे ये झूठ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, सिंधुगढ़ में भूतिया पतंग के बारे में मैंने सुना हुआ है। अरे कुछ नहीं है, जबरदस्ती का जो बोले सच है। अरे तू मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा? मैं कह रहा हूँ ना ये सच है। अरे बहुत ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वरुण भाई को बोलने की बहुत आदत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू सुन, फालतू बात कर रहा है, मेरी बात तो सुन। वाह, मुझे गर्व होता है अपनी सहायक टुकड़ी पर। देखो ना, केस को सुलझाने के बजाय आपस में उलझ रहे। सर्वप्रथम विश्व के घर जाओ, जाकर वहाँ छानबीन करो। सर मैंने वहाँ जाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। क्यों? सो वो लोग विश्वा की आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि अगर विश्वा की आत्मा को गुस्सा आ गया तो गांव पर कहर टूट पड़ेगा। बॉस अपन क्या लगता है, अपन लोग उधर जा सकते हैं? बोले तो झोल करके, स्टाइल में, अपन के स्टाइल में, बोले तो गांव वालों को उल्लू बना के। देख श्रमण अब्बा, वहां जाना तो पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे गांव वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। वरुण जरा संभाल लें इसे। ठीक है सर, हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। किससे बात करें? मुझे मेरा मोबाइल दो। मैंने कहा मुझे मेरा मोबाइल दो। नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ राहुल का खून हुआ, इसलिए तू डर रही है, पर तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। और अगर पुलिस को फोन करने का सोचा तो संग्राम से बुरा कोई नहीं होगा। सोचना है तो गांव की खुशियों के बारे में सोचो। लेकिन संग्राम, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना? नहीं, अब कुछ नहीं। गांव में पहले ही पुलिस और वकीलों का चक्कर लगा, अब और मुसीबत नहीं चाहिए। अब बस, अब कुछ नहीं होगा, भूल जाओ कि यहां कोई खून हुआ था। तुम सब यहां चौकन्ने होकर ध्यान रखोगे, कोई भी विश्वा के घर की ओर नहीं जाना चाहिए। मैंने वहां सड़क वाले रास्ते पर पहरेदार लगा दिए हैं, यहां तुम सब बारी बारी से पहरा दोगे, कोई विश्वा के घर की ओर नहीं जाना चाहिए, समझे? ठीक है जाओ। श्रवण, अब क्या करें? ये संग्राम और गांव वाले तो यहां पहरा देके खड़े हैं। वरुण, अपने ना कुछ करते हैं, ट्राई। अब जब संभल गए। अरे संग्राम भैया, क्या हाल है भैया? ठीक है भैया। मैं तो कुछ दिखाओ भैया, जमाना बहुत खराब है, किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते, क्या कहते हो? अब विश्वा बाबा पहले तो इतने गुस्सैल नहीं थे, अचानक से इतना गुस्सैल है। तो तुम क्या विश्वा बाबा के घर जाने की सोच रहे हो? घर? नहीं नहीं नहीं, हम घर काहे जाने लगे? हम तो बस ऐसे ही कि सब वो सब गाँव वाले बात कर रहे थे ना कि अरे बाबा का गुस्सा, बाबा का गुस्सा, तो हमने यूं ही पूछ लिया। है तो बड़े गुस्से में अभी विश्वा बाबा, कुछ दिन पहले एक शहरी बाबू की जान ले ली थी उन्होंने। क्या बात कर रहे हो? बहुत गुस्से में। बहुत बुरी बात है भैया, बहुत बुरी बात है। पर संग्राम भैया तनक ये बताओ कि आपको क्या लगता है कैसे मारा रहेगा विश्वा बाबा ने? हमें क्या मालूम किस तरह मारा होगा, तो पूछ रहे हैं आपसे। वैसे तुम लगते बड़े शाने हो। नहीं, अरे संग्राम भैया ऐसा थोड़ी, हम तो यूं ही, हमारा वो मूंछों का टाव देख के आपको लगा तुम भी बाकियों की तरह धोखा खा गए, ऐसा नहीं है संग्राम भैया। तो जाओ, अब ज्यादा बकबक मत करो, जो काम करने आए हो वो करो, हमें भी जाने दो। अपना काम ही तो कर रहा हूँ। अरे ये बैलगाड़ी किसकी है, रोका उसे। देखो ये विश्वा के घर की ओर क्यों जा रही है।
इसलिए तुम लोग हत्या करी। पंडित जी, इसमें तो कोई नहीं है। ये बैलगाड़ी यहां से ले चलते हैं, हम और खतरा नहीं उठा सकते। हाँ, चलो। वरुण भाई, शुक्र है अपन लोग गांव वालों की नाकाबंदी से तो बचे। हाँ, तू सही बोल रहा है शमन, है ना? सुन, हाँ, विश्वा का घर पास में ही है। हाँ, क्या बात कर रहे हो? तो चलो, चलो ना, चलो। चल। वो देख। अरे वो क्या देखे अपुन? पर अच्छा हुआ वरुण भाई, किसी ने अपुनों को देखा नहीं, ये तो अपुनों की वाट लग जाती। शाम, रात होने वाली है, जल्दी से काम खत्म करके चलते। चल। चलो। वरुण भाई इधर सॉलिड जाने लगे ले। क्या स्पाइडरमैन आया था क्या इधर? शमन। हाँ। स्पाइडरमैन के बारे में नहीं, भूतिया पतंग के बारे में सोच। अंदर चल। चमाइला। बोले बाबा किधर आए ले अपन लोग? वरुण भाई पतंग वतंग उड़ाए क्या? बोलते नहीं वरुण भाई, डर गए थे। अपन डर गया वरुण भाई। वो देख तेरी ये यहाँ कैसे? ओ वरुण भाई, अपुन लोगों को तो गांव वालों ने कहा था कि विश्वा की मौत के बाद इस घर में वो राहुल और सोमो के अलावा कोई आई नहीं। हाँ पर ऐसा लगता नहीं। अपुन को भी यही लगता है। शमन जल्दी चल, चल ले अपुन, उनकी बात सुनो। अरे अरे वरुण भाई सुनो ना, क्या बोल रहे? अपुन कह रहे अच्छा हुआ राहत हो गई, चुपके से निकल सकते, किसी को पता नहीं चलेगा। चुप चुप, अब और बात मत करना और यहाँ पर रुक कर किसी से बात करने की जरूरत नहीं। जल्दी चले। अरे अपुन, अरे अरे सुनो भाई, जब तक अदालत की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें चौकन्ना रहकर पहरा देना होगा। गांव वालों, आज सारी रात जागकर बारी बारी से पहरा देना है और देखना ये है विश्वा के घर के ओर कोई जाना नहीं चाहिए। आज अमावस्या नहीं है कि फिर भूतिया पतंग कैसे आ गई? चलो भागो। वरुण भाई, गांव वालों को सांस सूख गया क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वरुण भाई, भूतिया पतंग, मैंने बोला था भूतिया पतंग होता है। बोल रहे वरुण भाई, अरे भागो ना। अरे क्या हो रहा है? क्या हुआ क्या हुआ? जब वो भूतिया पतंग हमें भी दिखी। हमें अटैक करने के लिए हमारी तरफ आगे भी बढ़ी। हाँ बस, हाँ आप उन सच बोलो ना। अरे तू कैसी बातें कर रहा है भूतिया पतंग? होता नहीं ऐसे कुछ, भ्रम हुआ होगा तुझे। नहीं सर, कोई भ्रम नहीं हुआ, मैं सच बोल रहा हूँ सर। अरे हाँ बोला, अपुन इधर देखा, इतने दूर से। हाँ सर, वो भूतिया पतंग दिखी हमें। बस 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 बस, ये भूतिया पतंग तुम लोगों ने देखा, इससे पहले कुछ देखा वहाँ जो काम करने गए थे वो किया, कोई सुराग लाए ढूंढ कर? हाँ सर, ये हेयरपिन और ये वायर। सो
इसमें एक बाल लगा हुआ है। कल अदालत शुरू होने से पहले इसका डीएनए टेस्ट मुझ तक पहुंचा। ठीक है सर। सोनू ने क्या पागलपन किया? राहुल का खून करने का क्या जरूरत थी? सर मुझे डर है कहीं वो आपका नाम ना ले ले। यही डर मुझे भी है। मैं ऐसा किसी फालतू मामले में नहीं पड़ना चाहता। जया तुम जाकर सोनू से मिलो। सर उससे इस वक्त मिलने का कोई फायदा नहीं, उल्टा सबका ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा और शायद सोमू का भी। मैं इतना निश्चित नहीं बैठ सकता। कुछ काम है जो अधूरा है, वो काम मुझे पूरा करना ही होगा। श्रवण पता करो वरुण डीएनए रिपोर्ट लेकर कहां तक पहुंचा। जी रहे हैं मिस्टर पाठक, पिछली अमावस्या की रात को आपको वो भूतिया पतंग दिखी। योर ऑनर, रात तो अमावस्या की नहीं थी किंतु मेरे सहायकों ने वरुण और समन ने वो भूतिया पतंग देखी थी। इस बात का आपके पास कोई प्रूफ है? दुर्भाग्यवश इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है योर ऑनर, किंतु संभवतः हत्या का औजार ये वायर वहां से प्राप्त हुआ है। माफी चाहूंगी योर ऑनर, पर ये रिपोर्ट अभी अभी मेरे हाथ में आई। मिस्टर पाठक, योर ऑनर मुझे भी एक ऐसा ही वायर मिला और जब मुझे ये मिला तब मैंने इसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा और वहां पर साफ सामने आ गया कि इसमें लगा हुआ पॉइजन वही पॉइजन है जो हमें राहुल के शरीर से मिला। ये वायर आपको मौका या वारदात से बरामद हुआ? नहीं योर ऑनर, जब सोमू की गाड़ी की छानबीन पुलिस ने की तब डिक्की के एक कॉर्नर में ये वायर हमें मिली एंड इसका पॉइजन और राहुल के शरीर का पॉइजन एक ही था। लेकिन यकीन मानिए मुझे नहीं पता है कि ये वायर मेरी गाड़ी की डिक्की में कैसे आई। प्लीज मे आई, आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ। सोमू कैलिबर मीटर में रीडिंग ले ही नहीं रहा था योर ऑनर, सिर्फ एक ढोंग रच रहा था। एक्चुअली में तो उसका ध्यान राहुल पर था, बस वो इंतजार कर रहा था कि कब उसे एक मौका मिले और जैसे ही राहुल अपने कैमरा में बिजी हुआ उसे वो मौका मिल गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने राहुल का खून नहीं किया है, प्लीज मानिए मेरी बात। फिर से झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे अलावा और कोई था ही नहीं वहां पर। नहीं बोल रहा है सोमू, सॉरी, क्योंकि योर ऑनर इनके अतिरिक्त वहां कोई था, क्षमा चाहता हूं, थी। घटनास्थल से मेरे सहायकों ने एक हेयर पिन प्राप्त किया है योर ऑनर। इस पर एक महिला का बाल लगा हुआ था जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि विश्वा के घर में किसी महिला की उपस्थिति थी। योर ऑनर आपकी आज्ञा हो तो मैं रोहिणी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है? नहीं, मैं वहां नहीं गई थी, भला मैं वहां क्यों जाऊं? संभवतः राहुल से मिलने। राहुल से? मगर क्यों, मैं तो उसे जानती भी नहीं। नहीं जानती थी आप राहुल? आश्चर्यजनक बात है कि जिस व्यक्ति को आप जानती नहीं थी उससे आपने ब्याह रचा लिया। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ रोहिणी और राहुल के विवाह का प्रमाण पत्र है। कथा कुछ ऐसी है योर, जिस दिन राहुल की हत्या हुई उस दिन से कुछ समय पूर्व राहुल विश्व के घर जाने का प्रयत्न कर रहा था इस भूतिया पतंग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने, किंतु गांव वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया, प्रवेश नहीं करने दिया। फिर उसने एक योजना बनाई और उसने रोहिणी को अपने प्रेम के जाल में फंसाया, इनसे ब्याह करके
गांव वालों का विश्वास जीता और फिर गांव वालों की दृष्टि से बचकर रोहिणी की सहायता से विश्व के घर के अंदर किया। उस समय योर ऑनर कोई ऐसी ठोस बात, कोई ठोस साक्ष्य सब कुछ नहीं मिला हुआ। इसी कारण राहुल ने रोहिणी से कहा फिर लौटूंगा जल्द, और ये कहकर वहां से लापता हो गया। रोहिणी को अकेला छोड़ा। उसके 6 महीने पश्चात जब वो फिर से विश्व के घर में लौटा और रोहिणी को इस बात का पता चला, तो रोहिणी अपना बदला लेने विश्व के घर पहुंची। तुमने मुझे धोखा दिया है राहुल, अपने मकसद के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी वजह से कहीं मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। रोहिणी प्लीज। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं वहां नहीं गई थी। और वो दिन मेरा नहीं है। नहीं, रोहिणी उस दिन मेरे साथ थी। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहिए। जिस वक्त राहुल का खून हुआ उस वक्त रोहिणी मेरे साथ थी। झूठ बोल रहे हो तुम सब। मगर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि तुम रोहिणी से प्रेम करते हो और उसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। मगर आप इन्हें फंसाना चाहते हैं। दिस इज नॉनसेंस। कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना योर ऑनर। बोलिए मिस्टर पाठक, क्या आपके पास कोई सबूत है जिसे आप ये साबित कर सके कि वो है फिन रोहिणी का? मिस्टर पाठक, आपके पास कोई सबूत है? इस हेयर पिन से कोई बाल बरामद हुआ है? अगर हुआ है तो उसका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। योर ऑनर, इस समय मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, किंतु अगर अदालत मुझे थोड़ा सा समय दे तो मैं अदालत का आभारी रहूंगा। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। सर, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है इस पर। केडी साहब, आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। विश्वा के घर में घुसकर हम लोगों को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? देखिए, हमारा ऐसा कोई मकसद था नहीं। फिर क्यों ये आपके सहायक हमसे झूठ बोलकर विश्वा के घर में घुसे? को गुस्सा आ गया, इसीलिए उस पतंग ने इन दोनों पर हमला करने की कोशिश की। नहीं देखिए, आप समझ नहीं रहे। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बचाना ये मेरा कर्तव्य है, और इसी उद्देश्य से मेरे सहायक वहां गए थे। वो दोनों निर्दोष नहीं है। इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरे मना करने के बाद भी दोनों विश्वा के घर में घुस गए। इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही है ना? राहुल तो गया, अब सोमों की बारी है। पाठक बाबू, हम आपसे विनती करते हैं और साथ ही आपको ये चेतावनी भी देते हैं कि आप विश्वा के घर और इस केस से दूर ही रहिए, वरना वो भूतिया पतंग आपको भी नहीं छोड़ने वाली। चलो। मिल गया रोहिणी का बाल, मिल गया। बॉस है ना वो सही बॉस? अब देखना, अब देखता हूँ कैसे साबित नहीं होएगा कि वो क्लिप ना वो रोहिणी का ही था। तो ये भी साबित हो जाएगा कि राहुल का खून भूतिया पतंग ने नहीं, रोहिणी ने किया। हेलो चाचू, भूतिया पतंग वतंग कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है भूतिया पतंग वतंग। ओह माय गॉड, से तो वही भूतिया पतंग है, पर ये यहाँ क्या करे? पाठक बाबू, मैं विशा की आत्मा बोल रहा हूँ। तुम यहाँ आराम से बैठे हो और वहाँ तुम लोगों के कारण गांव पर कहर आने वाला है, उसके जिम्मेदार तुम हो। जाओ देखो विश्वात्मा कहाँ गया। बोलता हुआ पतंग मेरे ऑफिस में।
How interesting. बॉस, भूतिया पतंग गई. 1-2-4 एकदम. सब वो भूतिया पतंग किस कहर के बारे में बात कर रही थी? एक बात सोचा तुम दोनों ने? कितना बुद्धिमान पतंग किसने बनाया? स्पष्ट है कि बुद्धिमान पतंग नहीं, पतंग को चलाने वाला होता है. समझे? नहीं समझे? समझाता हूँ. जुगनू, जुगनू बेटा, चल अंदर आजा, खाना खा ले. आज खाने में क्या बनाया है? तेरी मनपसंद सब्जी और मेथी के पराठे. बेटी की पसंद का तो बहुत ख्याल है, हमारी पसंद का तो कोई ख्याल ही नहीं. चल अंदर आजा. मुझे नहीं खाना. देख जुगनू, मैं खाना खाने के लिए बैठ रहा हूँ, ज्यादा देर की तो कुछ भी नहीं बचेगा. हाँ जल्दी आ, चलो. हेपिन में मिले बाल का और रोहिणी के बाल का डीएनए मैच नहीं हुआ. बस एकदम क्लियर. इसका मतलब रोहिणी विश्वा के घर पे गई नहीं थी. तो ये हेयरपिन और ये सब किसका है? प्रश्न ये नहीं कि हेयरपिन किसका है, प्रश्न ये है कि जिसका हेयरपिन है वो इतनी सरलता से विश्वा के घर में आई, प्रवेश किया और वहां से चली भी गई. हेलो, मैं संग्राम बोल रहा हूँ. बोलिए, सुन रहा हूँ. सुन तो रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो. तुम शहरी लोगों के कारण हमारे गांव में एक बच्चे की जान खतरे में आ गई है. बच्चे की जान खतरे में आ गई है, समझा नहीं. उस भूतिया पतंग ने गांव के एक बच्चे को उठा लिया है. पाठक बाबू, याद रखना, अगर बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम गाँव वाले आपको छोड़ेंगे नहीं. वहाँ तुम लोगों के कारण गाँव पर कहर आने वाला है.